वो समझते हैं कि शायद यार ये पूरा ड्रम है ना, ये पूरा का पूरा ड्रम इसको फुली कर देना होता है। इसमें ब्लैंकेट आ सकता है, मैंने तो ये बात नहीं की कि ब्लैंकेट आता नहीं और धुलता नहीं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दो कैटेगरी की होती है। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ पे आए कहते हैं हमने ब्लैंकेट धोने हैं, 6 कपड़े उठाए ना तो उनका 1.5 किलो वजन होगा, लेकिन जो ही आप पानी में डिप कर देंगे तो उसका वजन उससे 3 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है 8.5 kg के अंदर आप 4 जुड़े वॉश करती है, रिंस करती है और स्पिन करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फहीम भाई आज हमें एक जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो एक आम आदमी के बजट में हो वो आपने हमें बतानी है, और जो बेस्ट हो उसमें हायर है, डॉलेंस है या LG है, कोई अच्छा ब्रांड जो हमारा कस्टमर। दो ही आते हैं, एक आता है हायर और एक आता है डॉलेंस। मुनासिब कीमत के अंदर बता देते हैं और वॉशिंग मशीन के बारे में कि अच्छी कौन सी है। ताकि यहाँ पे आए, ये वो रेंज है जो कि हम मीडियोकर लोग कोई भी मुनासिब कीमत में लेने वाला वो ले। ये 8.5 kg की 8.5 kg की वॉशिंग मशीन है, हायर की 8.5 kg की वॉशिंग मशीन है। और ये जो वॉशिंग मशीन है ये हायर में आती है, और इसी तरह जो ये वॉशिंग मशीन आती है डॉलर्स की, ये इसी रेंज के अंदर वॉशिंग मशीन है, 8.5 kg की वॉशिंग मशीन है। ये दोनों वॉशिंग मशीन है, इन वॉशिंग मशीनों के अंदर 10 ईयर मोटर वारंटी हायर दे रहा है, 10 ईयर मोटर वारंटी डॉलर दे रहा है। लेकिन हायर में एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हायर वॉशिंग मशीन में अपनी शुरू से कामयाब है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में अगर हायर की जो वॉशिंग मशीन की वजह से ही हायर कंपनी कामयाब हुई थी, एक एयर कंडीशनर और एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में ये टॉप है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत शानदार है और इनकी यूजिंग फ्रेंडली है, पैटर्न से चलने वाली वॉशिंग मशीन है। कीमत मुनासिब है, ये आपको मिल जाएगी 36,000 8.5 kg। इसी में अगर आप डॉलर्स के साथ कंपेयर करते हैं इसको, और ये हाइड्रोलिक डोर के साथ है, ये जो इसका डोर है ये इसमें इन्होंने हाइड्रोलिक दिया हुआ है, स्लोली जिसे कहते हैं ना बंद होता है, जो कि फंक्शनली भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज बेहतर है। मेटल बॉडी होती है इसकी, अंदर से स्टेनलेस स्टील का इसका ड्रम होता है नॉन मैग्नेटिक, और ये इसका डिटर्जेंट और सॉफ्टनर के लिए इन्होंने पकेट दी होती है, और यहाँ पे इसका पानी का कनेक्शन होता है जिसने पानी खुद लेना होता है। पानी ये खुद लेती है, वॉश करती है, रिंस करती है और स्पिन करती है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दो कैटेगरी की होती है, एक कैटेगरी होती है जिसमें वॉशिंग मशीन वॉश करे, रिंस करे और स्पिन करे, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें वॉशिंग मशीन वॉश करे, रिंस करे, स्पिन करे और ड्रायर करे। ये जो ड्रायर वाली वॉशिंग मशीनें होती है ना, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनें होती हैं जो कि फ्रंट से ओपन होते हैं जिनके डोर, और उसके अंदर पानी का कनेक्शन सिंगल देना पड़ता है, वो पानी को खुद गर्म करती हैं। इसके अंदर पानी का कनेक्शन डबल पीछे से देना पड़ता है, जो कि मिक्सर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पीछे से ठंडा गर्म मिक्स करके खोल दिया है तो वो नॉर्मल पानी आएगा, या गर्म आएगा वो पीछे से आपने टैप के अंदर से इसकी सेटिंग करनी है तो उसमें देना है। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती हैं उसके अंदर पानी नेचुरल नॉर्मल आता है, लेकिन वो उसमें पानी को खुद ब खुद बॉयल करना होता है, खुद ब खुद आपने उसका टेम्परेचर सेट करना होता है, उसने खुद पानी को गर्म करना होता है। तो अच्छा, ये अभी इसमें ड्रायर नहीं है, ये ड्राई नहीं करेगी? फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है। ठीक है, ये फ्रंट लोड नहीं है, टॉप लोड है, टॉप लोड में स्पिन होता है। अक्सर लेडीज कस्टमर आती हैं हमें ड्रायर चाहिए, अब मैं कस्टमर को कहता हूँ ड्रायर चाहिए, सुपर एशिया कंपनी का मिल जाएगा, ड्रायर नहीं होता, वो स्पिनर होता है। सही। अब मैं ड्रायर की जब कीमत बताता हूँ ना, मैं कहता हूँ ड्रायर जो है ना तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख का करीबन, नहीं हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। मैं कहा भाजी फिर वो आप स्पिनर मांग रही है, ड्रायर नहीं होता। जो हमारे घरों में लोकल मशीनें यूज कर रहे हैं लोग सारे, वो सब स्पिनर होते हैं, स्पिन करता है, पानी को निकाल देता है, उसमें हल्की सी नमी रहने देता है। और जो ड्रायर होता है ना वो बिल्कुल खुश करके बाहर निकालता है, वो तो ये बिल्कुल 1.5-2.5 लाख रुपए की रेंज में ड्रायर्स होते हैं, वो सेपरेट ड्रायर्स भी मिलते हैं। वो यहाँ पे लोग यूज़ बहुत कम करते हैं, यहाँ के जो यूज़र हैं हमारे पाकिस्तानी रहायशी, हाँ ज़्यादातर जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं ना पाकिस्तान में, वो यहाँ पे आके यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि 15-20 दिन यहाँ पे, जब आपको पता है सर्दियों के अंदर जो है वो स्मोक हुई होती है और धुंधे पड़ रही होती हैं, फॉग हुई होती है, तो धूपें नहीं निकलती, जिसकी वजह से फिर वो जब धूप नहीं निकलती तो कपड़े नहीं खुश्क होते। तो यहाँ पे उस वक्त वॉशिंग मशीनों का ड्रायर इस्तेमाल होता है, फिर वो ड्रायर बिल्कुल खुश करके कपड़े निकालता है, आप आयरन करके और पहन लेते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये यहाँ हमारे पास ये जो डॉलेंस की फ्रंट डोर है जी, ये साइज में छोटी लग रही हैं, तो ये क्या साइज में छोटी हैं? ये कैपेसिटी भी कम है इनकी? कैपेसिटी कम है, ये 7 kg की वॉशिंग मशीन है, ये 8 kg की वॉशिंग मशीन है। अच्छा ये 7 kg आम कस्टमर जो न्यू कस्टमर इसे बाय करने जा रहा है उसे तो केजी के हिसाब का नहीं पता, तो इसमें कितने सूट एक दफा में डाल सकते हैं? कितने केजी से मतलब ये होता है कि जो कपड़ों का पानी में जाके वेट बन जाता है ना वो केजी में काउंट होगा। बिल्कुल ठीक है, तो वो ये 8.5 kg का मतलब ये होता है अगर आप खाली 6 कपड़े उठाएं ना तो उनका 1.5 kg वजन होगा, लेकिन जो ही आप पानी में डिप कर देंगे तो उसका वजन उससे 3 गुना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है 8.5 kg के अंदर आप 4 सलवार कमीज सूट आप ऐसे करके पकड़ेंगे ना तो आपका वजन बनेगा 150 and 2 kg के करीब मैक्सिमम। जब आप उसको पानी में डिप कर देंगे वही डबल कर लें तो 8 kg के करीब, इसलिए उसको क्वांटिटी बोली जाती है कि 8 kg 9 kg 10 kg के इसमें इतनी कैपेसिटी बनती है। वाटर में कपड़ा क्लॉथ मिक्स होने के बाद इतना वेट देता है, वो उस हिसाब से इसको वेट दिया जाता है। कुछ लोग इस मशीन को इसी वजह से खराब कर बैठते हैं, उनको इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ओवरलोडिंग कर देते हैं। ओवरलोडिंग कर वो होता ये है कि कपड़े वो समझते हैं कि शायद ये पूरा ड्रम है ना, ये पूरा का पूरा ड्रम इसको फुल ही कर देना है, तो पूरा का पूरा ड्रम फुल नहीं करना होता, उसका एक लेवल होता है हर चीज का। आप उसको तरीकेकार से अगर लेके चलेंगे ना तो वो आपका स्मूथली अच्छा। अक्सर लोग यहाँ पे आए कहते हैं हमने ब्लैंकेट धोने हैं, वॉशिंग मशीन है आप उसको अपने कपड़ों के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करें, मगर ऐसा नहीं कि आप उसको इतनी ही सहूलत के लिए इस्तेमाल कर लें कि आप उसमें ब्लैंकेट और विकी रजाइयाँ वगैरह धोने शुरू हो जाएं। एक्चुअल होता यह है कि कंपनीज कहती हैं कि यार आप धो सकते हैं, कंपनियों ने तो कहना है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, वो धो भी देगी, ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं धोएगी, वो धोएगी भी, लेकिन उसमें सीन ही होता है कि ब्लैंकेट को आम रूटीन में अगर आप वेटली ऐसे करके उठाएं ना तो उसका वजन होता है, जब आप पानी में डिप करें ना तो वो इतना भारी हो जाता है कि वो 40 किलो से भी ज्यादा है। ये है कि वॉशिंग मशीन होती है इसके नीचे मोटर होती है, मोटर के ऊपर एक गियर बॉक्स दिया होता है जो कि वेट लेता है, और वो गियर बॉक्स का काम यही होता है कि वो उसको एक्स्ट्रा जोर दे के उसके ड्रम को घुमाता है। अब जब उसमें एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा तो उसका ड्रम के नीचे जो गियर बॉक्स होता है वो खराब हो जाएगा, वो गियर बॉक्स असल में खराब हो जाए फिर उसकी रिप्लेसमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। रिप्लेसमेंट के अलावा एक्सपेंसिव पड़ा है, एक्सपेंसिव है गियर बॉक्स 8-10 हज़ार का गियर बॉक्स होता है। ऐसा ही ऐसा जी ठीक है, तो इसका मतलब है इसके जो बड़े मॉडल हैं क्या उसमें भी वॉशिंग मशीन की उसकी ब्लैंकेट की कैपेसिटी नहीं होती? किसमें? इसके जो बड़े मॉडल हैं मिसाल के तौर पर जो 11 से 15 से 20 kg के जो मॉडल हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है? मैं आपको दिखाऊँ, जिस तरह के अब ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है इसमें 15 kg की वॉशिंग मशीन है, ये बड़ा साइज होता है, इसमें ब्लैंकेट आ सकता है। मैंने तो ये बात नहीं की कि ब्लैंकेट आता नहीं और धुलता नहीं, मैंने पहले भी ये बात की थी, अब भी यही बात कर रहा हूं, लेकिन गारंटी नहीं है, आता भी है और धुलता भी है और धुल भी जाता है, लेकिन होगा क्या आपकी प्रोडक्ट की लाइफ कम होगी। आप ओवरलोडिंग करेंगे तो इसके गियर बॉक्स पे जोर आएगा, जब जोर आएगा तो ओबियसली आपकी वॉशिंग मशीन खराब होगी। मेरी सजेशन यही है हर क्लाइंट के लिए, यहाँ पे जो कोई कस्टमर आता है ना मैं यही कहता हूँ आप इनको क्लॉथिंग के लिए यूज़ करें, ब्लैंकेट मत धोएं, उसकी सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ड्राइक्लीन करवा लें, आप 600 रुपये ड्राइक्लीन वाले को दे दें वो ज़्यादा बेहतर है साल में एक दफ़ा, वो ये नहीं कि आप मौके के ऊपर गियर बॉक्स खराब करें तो 16,000 रुपया गियर बॉक्स लगवाएं, बात सीधी सी है। अच्छा अब वो जो ड्रायर की साथ बात थी कि जी ड्रायर के साथ मशीन होती है तो वो क्या होती है? अब ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर ये LG की वॉशिंग मशीन है, ये डायरेक्ट ड्राइव है, 20 kg की वॉशिंग मशीन है, 11 kg का इसमें ड्रायर है। अब वो कस्टमर कहता है कि जी 11 kg का ड्रायर कैसे है, 20 kg की मशीन है, जब उसमें से पानी चढ़ जाएगा तो उसका जो वेट रह जाएगा वो हाफ 11 kg रह जाएगा या 10 kg रह जाएगा, तो जो पानी निचड़ने के बाद उसके बाद जब वो ड्रायर करेगा ना तो वो कपड़ों को ड्रायर कर देता है, मतलब कि इसके अंदर बिल्ट इन ड्रायर मौजूद है, ये वॉश इन स्पिन प्लस ड्रायर के साथ है, ठीक है ना, ये इसमें ऑप्शन दिया होता है, यानी कि ये स्पिनर नहीं ये ड्रायर है इसमें, हाँ इसमें ड्रायर भी मौजूद है, ड्रायर भी मौजूद है, और ये देख लें इसमें इन्होंने कूल वाटर के साथ सेंटीग्रेड लगाए हुए हैं 30, 40, 60, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्शन करते हैं वो उस हिसाब से पानी को बॉयल करता है, और इसमें नॉर्मली हर एक की स्पीड हर एक का जिसे कहते हैं ना RPMs होते हैं, राउंड पर मिनट्स होते हैं, नॉर्मल पे 400, 600, 800, 1000, 1100,
1100 RPM तक इसमें इसकी पावर होती है कि एक मिनट में 1100 राउंड लेती है, राउंड लेती है। स्पीड होती है कि 1000 RPM 1100 RPM इसकी स्पीड ही होती है कि ये इतनी स्पीड तक 1100 RPM पर मिनट जो है ना ये इसकी स्पीड है। ये ड्रायर के साथ मशीन है, बिल्कुल ठीक है। अब प्राइस वाला बस, और इसमें जो बाकी प्राइस की बात रही वो आप मुझे रापता करें, और प्राइस जो है मैं फिर आपको नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं प्राइस बताऊंगा कि प्राइस ही क्या है। ये 20 kg के अंदर 11 kg ड्रायर के साथ है, ये 18 kg में 10 kg ड्रायर के साथ है, ये 18 kg में भी 10 kg ड्रायर के साथ मशीन है, ये 16 kg में 10 kg के साथ ड्रायर है। अच्छा एक होती है कि ये जिस तरह की ये 9 kg की है, ये खाली ड्रायर है। अक्सर लोग कहते हैं ड्रायर क्या होता है, ये ड्रायर है, सॉफ्ट ड्रायर, बिल्कुल ठीक है ना, ये ड्रायर है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रायर ड्राई करेगा, ये सिर्फ ड्रायर है, ये 9 kg का ड्रायर है, ये देखिए, ये 9 kg में ड्रायर है। लोग कहते हैं कि खाली ड्रायर, इसको ड्रायर बोलते हैं, ये ड्रायर है। तो ये भी इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी बता दें, प्राइस रेंज इसी तरह ही है 150-160 के करीब तकरीबन प्राइस, बिल्कुल ठीक है। जी व्यूअर्स, ये थी वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमने आप लोगों को दिखा दी है। अब इसमें अगर आप लोग प्राइस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्मवेयर का नंबर है, टॉप पे नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मॉडल के साथ साथ उसकी प्राइस भी जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इसे जो ही आप यू टर्न लेते हैं मार्केट के अंदर, जो ही आप लेफ्ट एंटर होते हैं तो 3-4 दुकानें छोड़ेंगे तो साथ ही लेफ्ट अंदर एक गली अंदर आती है, उसमें हमारी 5th दुकान है आबिद मार्केट में, रज़ा कॉरपोरेशन हमारी दुकान का नाम है, और आप आए विज़िट कीजिए। और रहमान चैम्बर इसका मतलब के जो इसका प्लाज़ा है उसमें रहमान चैम्बर है, रहमान चैम्बर की मतलब इसमें हमारी दुकान है रज़ा कॉरपोरेशन के नाम से। और मेरा नाम फ़हीम है और मेरा मोबाइल नंबर है 03224222254। आप मेरे इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेश्चन करना चाहें, किसी किस्म का कोई मशवरा लेना चाहें, राय लेना चाहें, आप ले सकते हैं, और आप फ़ोन पे भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको फ्री होम डिलीवरी देंगे। थैंक यू सो मच।